नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, IRFC ने डिविडेंड अनाउंस किया है, ये तो आपको पता होगा ही। 77 पैसे का डिविडेंड है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन बहुत छोटा डिविडेंड भी नहीं है। आप स्टॉक के हिसाब से देख सकते हैं, अच्छा ही डिविडेंड से कहा जाएगा क्योंकि ये इंटरिम डिविडेंड है, क्योंकि अभी कंपनी का Q2 के ही रिजल्ट आए और आपके लिए डिविडेंड यहाँ देखने को मिल गया है। लगातार आप बोले तो दूसरे साल में भी डिविडेंड देखने को मिला है। फर्स्ट ईयर में जब कंपनी लिस्ट हुई थी तब भी इन्होंने डिविडेंड दिया था और इस बार सेकेंड ईयर में वापस से डिविडेंड आपको देखने को मिला है। अब इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट तो आपको पता है ही, 11 नवंबर। 11 नवंबर के लिए जिसके भी डीमैट अकाउंट में ये शेयर होंगे उनके लिए डिविडेंड मिलेगा। अब कभी कभी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आप 11 ही नवंबर को स्टॉक खरीदते हैं उसके बाद आप सोचें आपके पास डिविडेंड आए तो कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है, कल के दिन में आप इस स्टॉक को बाय करके रख सकते हैं डिविडेंड के लिए चाहे तो। और अदरवाइज दोस्तों, अगर IRFC की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म का बहुत ही तगड़ा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में अगर आप डिविडेंड से पैसा बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी आपको देखने को मिलेगी डिविडेंड वाइज, अगर यहाँ पैसा बनाना है। जैसे कि ITC की बात करें, बेशक स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर रही जाता है, आप देखेंगे बहुत सालों से 200 के लेवल में ही स्टॉक देखने को मिल जाता है, 200, 300, 250। तो ऐसे ही IRFC की बात करें तो डिविडेंड से आप यहाँ मोटा पैसा बना पाएंगे। अगर आप देखें फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, अपने बच्चों के लिए स्टॉक खरीद के रख रहे हैं उनके लिए पैसा, तो आपके पास सबसे अच्छा एक तरह से पेंशन फंड आपका बन सकता है। मतलब बोले तो डिविडेंड से आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम देना होगा। करोड़ों रुपए बनाने के लिए टाइम लगता है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 1 लाख रुपए पर आपको मिलता है एक अच्छा इंटरेस्ट, तो आपके पास धीरे धीरे वही पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा और एक समय के बाद आपके पास पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। और अगर आप उसी डिविडेंड को दोबारा से उसी स्टॉक में री इन्वेस्ट कर देते हैं तो हर बार डिविडेंड आपका प्लस होकर के आएगा, क्योंकि उतने ही शेयर आपके पास बढ़ भी जाएंगे। अब यहाँ पर IRFC में बहुत से लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भागता नहीं है, क्योंकि लास्ट एक मंथ के रिटर्न देखिए तो फिर भी यहाँ पर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है और 7% के रिटर्न भी देखने को मिले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें 6 मंथ का रिटर्न, तो सिर्फ और सिर्फ 20% के रिटर्न, वो भी जिन्होंने डिप्स का फायदा उठाया है। और वहीं अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2% के रिटर्न। इसीलिए बहुत से इन्वेस्टर यहाँ पर परेशान हैं IRFC को लेकर के, क्योंकि यहाँ रिटर्न देखने को नहीं मिला है। लेकिन आपको समझना चाहिए 5% का डिविडेंड यील्ड यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 5% तो आपके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न हुआ वो अब रिटर्न बढ़ गया। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर दिखाई देंगी। अगर आप इस स्टॉक को इस वजह से खरीदे रहे हैं कि आज मैं इसे खरीदता हूं कल 10% की तेजी के बाद इसे बेचूंगा, तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं है। आज की डेट में स्टॉक ट्रेडिंग के हिसाब से ये 2 साल के बाद बन जाएगा, जब इसके 3 साल पूरे हो जाएंगे और ये स्टॉक फिर एक नॉर्मल स्टॉक की तरह तेजी पकड़ना लगेगा। अब इनके पास सबसे बड़ा फायदा क्या है, देखिए ये IRFC का जो स्टॉक है, इस कंपनी के पास एक एडवांटेज है, वो है ये कंपनी बिल्कुल टैक्स फ्री, इन पे टैक्स नहीं लगता है। इसीलिए आप देखें प्रॉफिट दबा के जो कुछ है सब इनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने को मिलता है। 0 NPE के साथ कंपनी है। वैसे देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए फंड देते हैं और यही इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। बेशक कुछ सरकार की पॉलिसीज के बाद कभी कभी किसी स्टॉक में आपको PSU कंपनियों में थोड़ी बहुत अप एंड डाउन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन IRFC को लेकर के कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। तो इसीलिए दोस्तों डिविडेंड वाइज अगर देखा जाए तो ये स्टॉक बहुत बेहतरीन हमें देखने को मिलता है। आप अगर डिविडेंड के लिए कोई स्टॉक देख रहे हैं, वो खास बात है सस्ता स्टॉक भी है। ऐसे ही दूसरा डिविडेंड के लिए आप सस्ते स्टॉक में ट्राइडेंट को लेकर के रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। लेकिन ज़्यादा डिविडेंड की बात करें तो सस्ते प्राइस में IRFC आपको देखने को मिलता है। बहुत कम पैसा लगा करके आप अच्छा डिविडेंड यहाँ से बना सकते हैं और डिविडेंड आपको बहुत पैसा बना के दे सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में काम करेंगी। जैसे कि अगर आज आप स्टॉक खरीद के रख लेते हैं, 1000 शेयर आपने खरीद लिए, ज़्यादा नहीं सिर्फ 1000 शेयर खरीद लिए, और आपको अगर पर 6 मंथ 1000 रुपये का डिविडेंड मिलता है
और एक साल में 1500 से 2000 का डिविडेंड मान के चलिए, तो हर बार आप उसी पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं इसी कंपनी में, तो एक टाइम आपके लिए यही डिविडेंड 1000 की जगह 10000 के लेवल पे पहुंच जाएगा। तो मतलब कि जो आपने इसमें पैसा लगाया है 25,000 रुपए, अगर आप इसमें लगाते हैं, देखिए 1000 शेयर खरीदेंगे तो मोटा मोटी हम 25,000 के मान के चल सकते हैं, तो 25,000 हमने रुपए लगाए हैं वो आपके कितने सालों में रिकवर हो जाएंगे, मात्र मात्र 6-7 सालों में रिकवर हो जाएंगे अगर आप उसी डिविडेंड को इसमें लगा देते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर होगा एक अच्छा और शानदार मौका। तो अब आपको शायद ये बात समझ में आई हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा।